Click on subscribe button, press on bell icon. हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों इस वीडियो के अंदर आज हम बात करने वाले हैं कि हम किस तरह से इंस्टाग्राम के अंदर हमारी पोस्ट में लिंक को कैसे ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो को आपको पूरा देखना, अगर आप इसे स्किप करोगे तो फ्रेंड्स आप समझने में आपको मुश्किल होगी और आप समझ नहीं पाओगे। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको बता दूं कि आप किस तरह से इंस्टाग्राम के अंदर किसी भी पोस्ट में लिंक को ऐड कर सकते हो। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो, यह मेरी स्पॉन्सर्ड पोस्ट है। फ्रेंड्स आप भी कोई स्पॉन्सर्ड पोस्ट अपलोड करते हो अपने इंस्टाग्राम के ऊपर या फिर अपने YouTube वीडियो को आप थंबनेल अपलोड करते हो, तो फ्रेंड्स आप नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर URL नहीं दे सकते, क्योंकि Instagram के अंदर URL देते Instagram से डिसेबल कर देता है। जैसे कि आप देख सकते हो नीचे प्ले स्टोर का जो मैंने इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे दिया, वो फ्रेंड्स वर्क नहीं कर रहा। तो फ्रेंड्स अब हम उसको वर्क करवाने के लिए यूज़ करेंगे हम यहाँ पे QR कोड स्कैनर का। फ्रेंड्स इस ऐप का मैंने डाउनलोड लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर लीजिए। फ्रेंड्स डाउनलोड करने के बाद हम इसे ओपन करेंगे, कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। फिर हमें प्लस के ऊपर क्लिक करना है, फिर आप देख सकते हो ये स्क्रीन हमारे सामने आ जाएगी। अब फ्रेंड्स आपको अगर किसी ऐप का, गेम का, वीडियो का या अपनी वेबसाइट का किसी भी तरह का URL का QR कोड बनाना है, तो आपको URL यहाँ पे पेस्ट करके क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो नीचे हमारे सामने QR कोड बन चुका है। अब फ्रेंड्स आप इस QR कोड को कस्टमाइज़ भी कर सकते हो, इसका कलर वगैरह आप चेंज कर सकते हो। या फ्रेंड्स इसके कलर की सेटिंग है तो आप इसके कलर्स को चेंज कर दीजिए। फ्रेंड्स चेंज करने के बाद आपसे सेव कर दीजिए, सक्सेसफुली सेव हो चुका है। अब फ्रेंड्स इस ऐप की खास बात यही है, इस वाले ऐप की QR कोड बार कोड जनरेटर के। फ्रेंड्स मैंने इसका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से इसे डाउनलोड कर लीजिए। फ्रेंड्स आप इसके अंदर अपने वाईफाई का, कॉन्टैक्ट का, अपने मेल का, मैसेज का और लिंक का, नॉर्मल टेक्स्ट का, सब तरह के आप इसके अंदर QR कोड बना सकते हो। फ्रेंड्स मैसेज और मेल का तो इतना बढ़िया काम है कि जैसे आप QR कोड बना देते हो कुछ भी टाइप करोगे तो फ्रेंड्स जैसे आप उसे स्कैन करोगे तो आपका मैसेज भी टाइप हुआ हुआ आ जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे हिस्ट्री आ जाएगी कि आपने कितने बार कोड स्कैन करे, QR कोड स्कैनर करे और कितने आपने जनरेट करे। अब चलिए फ्रेंड्स हम यहाँ पे वापस नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर आ जाते हैं। फ्रेंड्स जो मैंने यहाँ पे QR कोड बनाया है, अब इस QR कोड को हम स्कैन करते हैं तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो स्कैन करते ही हमारे यहाँ पे डायरेक्टली गूगल प्ले स्टोर का ऐप ओपन हो गया। तो फ्रेंड्स आप भी कुछ इस तरह से QR कोड बनाइए। और फ्रेंड्स QR कोड बनाने के बाद आप इंस्टाग्राम के अंदर जो भी आपकी इमेज है, जो भी आपका वीडियो, उस वीडियो के अंदर या इमेज के अंदर आप छोटे से एक साइड में कोने के अंदर यह ऐड कर दीजिए QR कोड। फ्रेंड्स इससे क्या होगा कि जो भी बंदा आपके पोस्ट को देखेगा वो QR कोड को जैसे स्कैन करेगा तो स्कैन करते ही अगर आप YouTube वीडियो को अपने इंस्टाग्राम के साथ प्रमोट कर रहे हो तो वो आपके वीडियो के अंदर डायरेक्टली बंदा उसको देख लेगा, ऐप डाउनलोड कर लेगा और आपकी वेबसाइट के ऊपर भी विजिट इससे हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स काफ़ी अच्छी चीज़ है, मैंने इस ऐप का डाउनलोड लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आपके पास किसी भी तरह की स्पॉन्सर्ड पोस्ट आती है तो फ्रेंड्स ये सबसे ज़्यादा स्पॉन्सर्ड पोस्ट और YouTube वीडियो और ऐप डाउनलोड के लिए सबसे ज़्यादा यह हेल्पफुल ट्रिक है। इससे कि फ्रेंड्स नॉर्मली कुछ भी नहीं है, बस आपको एक यहाँ पे QR कोड जनरेट करके अपनी इमेज के अंदर ऐड करके Instagram पे अपलोड कर देना है, बस फिर आपको यहाँ पे डाउनलोड्स भी मिल जाएंगे और वीडियो के व्यू भी मिल जाएंगे।